हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। सेकंड ग्रेड जीव विज्ञान की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है एनिमल टैक्सोनॉमी, जंतु वर्गी की। तो एनिमल टैक्सोनॉमी से प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए एनिमल टैक्सोनॉमी सबसे पहला क्वेश्चन है, पांच जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया है? आर एच वाइटेकर ने। ये सेकंड ग्रेड 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछे हुए हैं मैंने इंक्लूड किया है इसमें। तो देखिए, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रतिपादन किसने किया, ये सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया था। तो ये पुरकिंजे ने प्रयोग किया था। प्राणी जिनके लार्वा द्विपार्श्व सममित लेकिन वयस्क अरीय सममित होते हैं, कैसे प्राणी होते हैं? इकाइनोडर्मेटा प्राणी होते हैं। ये 2011 में पूछा गया था। प्राणी जो क्रमशः असममिति, अरीय सममिति तथा द्विपार्श्व सममिति प्रस्तुत करते हैं, स्पॉन्ज, तारा मछली और केकड़ा। ये अलग से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे कि अरीय सममिति प्रस्तुत करते हैं, तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन हो तो वो ठीक होगा। नेक्स्ट देखिए, किसमें खंडी भवन देखा जाता है, ये सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया था। एनेलिडा में, एक ही संग फाइलम में पाए जाते हैं झींगा, बिच्छू और टिड्डी, सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया था। आर एच वी टेकर द्वारा प्रस्तावित पांच जगत वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, ये सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया था। तो देखिए, पोषण का ढंग है, प्रजनन का ढंग है, कोशिका की संरचना है, इनके बेसिस पे आर एच विटेकर ने पांच जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। मोलस्का के रुधिर में क्या होता है, कॉपर या तांबा होता है, सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया था। सेकंड ग्रेड 2018 में ये पूछा गया था, सुमेलित कीजिए कि इसमें असुमेलित कौन सा है, ये बताना था। इफायरा लावा ओरेलिया में पाया जाता है, पेरन काइमलियर लार्वा पोलीफेरा में पाया जाता है, साइडिप्टेड लार्वा टीनोकोरा में पाया जाता है, और रेबडिटोफॉर्म लार्वा, ये ऑप्शन ये गलत था, ये वाला ऑप्शन इसमें गलत माना गया था, डी आंसर था इसमें। मोलस्का में कवच किससे बनता है, मेंटल से मिलके बना होता है। अरस्तु की लालटेन किसमें मिलती है, सी अर्चिन में। नेक्स्ट देखिए, एनिलिडा एवं मोलस्का के बीच की योजक कड़ी कहलाती है, नियोप्लाइना, एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी। 13 है, मेटामेरिक सिगमेंटेशन किसकी विशेषता है, जो मेटामेरिक सिगमेंटेशन है एनिलिड्स और ऑर्थोपोड्स की विशेषता है। नलिका के अंदर नलिका जैसी संरचना कौन प्रस्तुत करता है, ओलिगोकीटा, ओलिगोकीटा नलिका के अंदर नलिका जैसी संरचना प्रस्तुत करता है। सोलेनोसाइट्स ये ज्वाला कोशिकाएं मुख्य उत्सर्जी अंग किसके हैं, प्लेटी हेलमन थीज के। मानव में कौन सा अंतः परजीवी है जो सजीव प्रजक्ता प्रदर्शित करता है, तो ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस। स्टारफिश किस वर्ग से संबंधित है, तो ये एस्टिरोइडिया वर्ग से संबंधित है। अकशेरुकों में उपस्थित होता है यकृत निवाहिका तंत्र की अनुपस्थिति। थैले के समान आकृति वाले प्राणी किस उपसंघ के होते हैं, यूरोपोलडेटा होते हैं। ये प्रीन ग्रंथि किस वर्ग में पाई जाती है, तो जो एबीज या पक्षी वर्ग है उनमें प्रीन ग्रंथि पाई जाती है। कृषि के लिए हानिकारक कीटों को कौन सी मक्खी नष्ट करती है, तो ये इक्यूमान मक्खी नष्ट करती है। मोलस्का में कौन सा शोषण वर्णक पाया जाता है, तो इसमें हीमोसाइनिन शोषण वर्णक पाया जाता है। केबर की ग्रंथि पाई जाती है, तो ये मोलस्का में पाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।